इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया पहला ई स्पोर्ट्स इवेंट। आइए जानते हैं इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लेकर आ रहे हैं पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 में 25 चैलेंजेस होंगे और ये इवेंट गोवा में 20th से 25th नवंबर तक होगा। ये इवेंट के गेमिंग सेगमेंट में 4 चैलेंजेस है। फर्स्ट चैलेंज है ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो ESFI के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में ई फुटबॉल, WCC और BGMI जैसे पॉपुलर गेम्स होंगे जो अगस्त से नवंबर तक 4 बैचेस में ऑर्गेनाइज किए जाएगा। टीम्स एंड प्लेयर्स जो क्वालिफाई करेगा उनको गोवा में ग्रैंड फाइनल्स के लिए इन्वाइट किया जाएगा। सेकेंड चैलेंज है गेम जैम जो इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस IGDC के एसोसिएशन में किया जाएगा। ये इवेंट नए गेम डेवलपर टैलेंट्स को शोकेस करने के लिए होगा जो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो स्टूडेंट्स गेम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो नए गेम डेवलपर एंथुजियास्ट्स हैं उनके लिए ये एक मौका होगा इस प्रोग्राम में अपनी स्किल्स दिखाने का। थर्ड चैलेंज है सिटी क्वेस्ट शेड्स ऑफ भारत जो कि ई गेमिंग फेडरेशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये एक सिंगल प्लेयर कॉम्पिटिशन होगा जिसमें प्लेयर्स कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलेंगे। फोर्थ चैलेंज है हैंडहेल्ड एजुकेशनल वीडियो गेम डेवलपमेंट जो कि इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी IDGS के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें कंटेस्टेंट्स को हैंडहेल्ड डिवाइस बनाना होगा जो चिल्ड्रन को हेल्प करेगा मैथ सीखने में, पजल्स को सॉल्व करने और कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाना एक वीडियो गेम के द्वारा। गेमिंग या दूसरे चैलेंजेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप www.wavesindia.org पे जा सकते हो और ऐसे ही गेमिंग और ई स्पोर्ट्स से जुड़ी और खबरों के लिए पेंटा ई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए।